आए हुए सभी वीरां का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहला मैं थानू मेरे नाव तो वैसे थानू पता ही लग गया होएगा कि प्रदीप कुमार रामगढ़िया, और मैं पोल्यूशन दे उत्ते 21 साल तो लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पराली जलाण दे नाल प्रदूषण बढ़ा, जबकि वो टेबल दे उत्ते मेरी भेजी हुई एप्लीकेशन उस नज़र नहीं आई। उस तो बाद केजरीवाल नू शायद कुछ लोग अच्छा समझते होंगे, उस दे टेबल दे उत्ते भी मैं एप्लीकेशन भेजी कि जड़ा प्रदूषण आ ये 1999 दे अंदर मैं मेडिसिन बनाई कि ये होने वाले प्रदूषण नू किस तरह रोकया जा सकता और ये क्या फायदे है क्या नुकसान है। अज पराली जलाउण दे उत्ते इन्हां ने यह कहा कि प्रदूषण फैलदा, इन्हां दा कोई भी साइंटिस्ट मेरे सामने आके खुला चैलेंज दे रहा कि वह साबित करे पराली जलाउण दे नाल प्रदूषण फैलदा, जबकि सब तो खतरनाक प्रदूषण CNG दा है, जिन्हों ये कहिंदे आ नॉन पोल्यूटेड। CNG दे नाल साडियां अखां दा अते फेफड़ियां दा कैंसर हुंदा, साडे लोगों नू बेवकूफ़ बनाया जा रहा। अज सब तो पहला सर्च करन तो बाद पता लग गया कि CNG दे भंडार सब तो ज़्यादा अमेरिका दे कोल है। अमेरिका ने CNG दे उत्ते बसा क्यों नहीं चलाईया, उसने कारा क्यों नहीं चलाईया, क्योंकि उन्हू पता है कि इस CNG दे नाल अखां दा और फेफड़ियां दा कैंसर हुंदा। अज जिहड़ा करोना दे उत्ते बहस कर रहे आ, करोना दा सिर्फ एक डर पैदा किया गया, जबकि 19 मार्च 2020 नूं ये चीज़ इंग्लैंड दे साइंटिस्टां ने भी क्लीयर कर दित्ती सीगी कि करोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, एक सिंपल वायरल है, कोई महामारी नहीं है। लेकिन इन्हां ने अपनी गुंडागिरी नूं कामयाब करते हुए जिस तरह किसानों के उत्ते 3 आर्डिनेंस पास किए, उन्हां दा मेन मुद्दा है कि आम आदमी नू बर्बाद करो और अपना घर भरो। इसलिए मैं खुला चैलेंज दे रहा कि किते भी किसे भी वीर नू कोई भी परेशानी कर दे तो मैं एक छोटा जिहा दल बनाया देश बचाओ दल, किसी नू पराली जलाउण तो बाद कोई भी खुला चैलेंज है परेशान करदा वो मैनू कदे भी कॉल कर सकता 8800445763, और मैं इस चीज़ के खाली उन्होंने नहीं करता। मोदी ने आज तक यह कहा जी कि साइंटिस्ट कहता कि पराली जलाण के नाल प्रदूषण फैलता, पराली जलाण के नाल घट बीमारियां घटदिया ने, जिन्हों के बच्चों मलेरिया और डेंगू, जेदे नाल पराली जलाण के नाल पराली जलाण तो बाद जिस वेले साडे एटमोसफेयर का टैंपरेचर बढ़ता तो वो कुछ ऐसे कीटनाशक बैक्टीरिया और इतने तक के मच्छर भी वो मरते आ, मगर अनपढ़ लोग जड़े बैठ जाते देश नू बर्बाद ही करते। सियाणियां ने ठीक ही कहा कि कुछ लोग ऐसे होंगे आ जिन्हों असी कह नहीं सकते, लेकिन एक साडे कहावत है शायद उसनू अज मोदी जी ने सच कर दिता, कहिंदे आ रंडी का पूत सौदागर का घोड़ा, खाएगा ज़्यादा चलेगा थोड़ा। इन्हां चीज़ां नू साबित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने ये देखा कि किसान मेरे अगे झुके नहीं है, पंजाबी मेरे अगे झुके नहीं है, इसलिए उन्हें प्रदूषण का बहाना लगाया। उन्होंने ये नहीं पता कि किते ना किते जाके गल अटकेगी। अज तक मैं उन्होंने एप्लीकेशन दिता रहा क्योंकि वह मेरा एक हाथ जोड़न का तरीका सेगा, हुण मैं उन्होंने एक समझाने की कोशिश कर रहा कि गलत डिसीजन मत लो, कोई ऐसा गलत काम मत करो जिहदे नाल अगे आने वाली थोड़ी जनरेशन नू भुगतना पै जाए। अज जिस लाल किले के उत्ते झंडा चलाउंदा आ वो किहदा दित्ता होया, जस्सा सिंह रामगढ़िए दा, वो जस्सा सिंह रामगढ़िए जिन्हां दे साडे पिछोकड़ दे विच सुखा तरखाण जिन्हां ने मस्से रंगड़ का सिर लाया
असी उन्होंने पिछों वाह असी दुआबे के रहन वाले असी ये चीज़ नू कदी बर्दाश्त नहीं करांगे। किसान दे अंदर अगर इंसानियत बची है तो सिर्फ किसान दे अंदर, अज अगर किसान अगर बैठा तो उसकी इंसानियत इस चीज़ का दर्शाती है कि उसके अंदर इंसानियत आ। लेकिन ये अपनी हैवानियत नू दिखाउण तो बाज नहीं आ रहा। लेकिन साढ़े रामगढ़िया दे विच ये हुंदा, एक बारी हाथ जोड़ दिओ, दूजी बार समझा दिओ, तीजी बारी फिर उन्हूं रोड़ रोड़ पा लो। क्योंकि मैनू 21 साल हो गए आ जिस वेले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी नू एप्लीकेशन दित्ती कि मैं जी पोल्यूशन दे लई मेडिसिन बनाई आ। उस बंदे नू टेबल ते पई मेरी फाइल नज़र नहीं आई, सत समुंदर पार लारा दिता, दो कपड़िया च नज़र आ गई उन्हूं, वो नज़र आई लेकिन टेबल ते पई फाइल नज़र नहीं आई। हेल्थ मिनिस्टर मैं सवाल करता है तुसी ये दवाई क्यों बनाई, मैं क्या बई मैं दवाई बनाई आने वाली जनरेशन लई, कहिंदा जी आने वाली जनरेशन लई लेकिन बनाई क्यों, मैं क्या तेरे मरन ना मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, मैं ये देखना है जिहड़े बच्चे रोड दे उत्ते घूमदे आ जां ट्रैफिक वाले रोड दे उत्ते खड़े आ, मैं इन्हां नू देखदा, तू तां एसी दे अंदर बैठा तैनू क्या फर्क पैंदा। उस बंदे ने कहा जी इस दा कंपीटीटर कोई नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड दे अंदर, इस नू अगर तुसी लाइसेंस लेना तो करोड़ों रुपए देने पैणगे। इस तरह की साडी नीति आ। और किन्ने गंदे लोग ने ये मैं जिन्ना मैं कोलों जाके देखा शायद ऐसा किसी ने नहीं देखा होएगा। नरेंद्र मोदी बारे बहुते लोग जानते होंगे कि चाह बेचता, लेकिन चाह नहीं सी बेचता, मैं खुला चैलेंज दे रहा, जिहड़ा बंदा चरस बेचता होवे 8 साल की उम्र तो नशे का धंधा करता होवे, वो बंदा किहदा हो सकता? उस धंधे नू वधाउण दी खातर जिस बंदे ने घर दे विच चोरी कीती होवे, 8 महीने रो के प्यो मर गया होवे, उस बंदा किहड़े लके दा हो सकता? इस बंदे ने वो कम कीते। अज इस चीज़ नू कि करोना दा डर पैदा कीता जाए, बहुते लोगों ने कहा भी जी इहदे विच कोई ऐसा नहीं है कि करोना है, मन लिया करोना है, लेकिन 2017 के अंदर टेस्टिंग किट कैसे किस तरह बन गई, 2017 के विच किट किस तरह बन गई? उस वेले थोड़े कोल करोना सी, उस वेले इन्हां कोल कोई करोना नहीं सी। 2018 के विच साडी सरकार ने वह किट खरीदी, क्यों खरीदी और किस दे बेस ते खरीदी, कोई जवाब नहीं। 2019 का कोविड लिखा गया, 2017 के विच थानू क्या पता सीगा कि करोना 2019 दे विच आएगा, जबकि इंडिया दे विच 2020 दे विच आया। लेकिन सारा इहदा पाबंदियां लगाउण दा मतलब मेन ये सीगा कि किसानां नू आम आदमी नू तंग करना, क्योंकि इहनू पता है कि सारी अगर किसान परेशान हुंदा तां हर बंदा परेशान होएगा, क्योंकि रोटी हर बंदे ने खानी है। रब नू भी आदमी दो बार याद करदा, रब नू भी आदमी दो बार याद करदा, लेकिन किसान नू 3 बार याद करदा, सवेरे दोपहरे और रात नू, क्योंकि रोटी तां 3 टाइम खानी है। और जिहड़ा इहनां दा बनाया होया कानून है, अगर अज असी 20 रुपए जां 25 रुपए आटा खरीद रहे हां, उही आटा 250 रुपए किलो बिकेगा, क्योंकि अज भी ये उन्हां दे घर भर रहा। अज जिहड़ा इहने डरावा दिता है किसानां नू, मैं फिर किसानां नू ये कह रहा कि बई इस नू किते भी मैनू बिठा के चैलेंज कर सकदा मैं कि साबित करन और मैं फायदे दसूंगा, ये नुकसान दसन कि पराली जलाण दे नुकसान किहड़े आ, क्योंकि अज तक इहदा कोई नुकसान नहीं है। नंबर एक कि इहदे विच जिस वेले पराली जलदी आ उहदे नाल बहुत ही कीड़े मकौड़े मारे जांदे आ, और दूसरी चीज़ कि 2 मिंट दे बाद उहदा धुआं रोड दे उत्ते नहीं हुंदा। CNG एक ऐसी गैस आ जिहड़ी कि 2 घंटे तक रोड दे उत्ते 100 किलोमीटर रन कर जांदी आ, जिस दे नाल अखां दा कैंसर और फेफड़ियां दा कैंसर हो रहा। वह अज 21 साल तो इन्हां नू एप्लीकेशन नज़र नहीं आईयां, उस दे उत्ते इन्हां नू कोई असर नहीं है, लेकिन इन्हां नू अपने नोट बनाउण दे नाल मतलब है। इन्हां सरकारां ने सिर्फ एक ही चीज़ दिखी है कि साडे जेबां किस तरह भरदियां, क्योंकि बाहरों ले गई गैस
सस्ती ले रहे हैं और महंगी बेच रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि जी ये देख नॉन पोल्यूटेड है। लेकिन जिहड़ी अज साडे देश की कंडीशन हो रही है उहदे विच सब तो बड़ा हाथ पहला अपने अटल जी ने टाइम ते जिस वेले इन्हां ने CNG लागू की उस वेले तो शुरू हो गया क्योंकि इन्हों अपन जेबा भरन नाल मतलब सी पब्लिक दे नाल कोई नहीं सीगा। आज भी इस प्रदूषण का रगड़ा पाउण दा मतलब मेन ये आ कि किसान नू किस तरह दवाया जा सकता कोई भी इस नू साबित नहीं कर सकता कि पराली जगाण दे नाल पोल्यूशन फैलता है। सब तो बड़ी चीज़ कि ये एक आम आदमी नू बर्बाद करन दे उत्ते। दूसरी चीज़ इन्हां दे नाल है कि आर्टिकल 147 तोड़न की कोशिश की जा रही है जिहदे विच ये सोचते हैं कि असी आर्टिकल 147 तोड़ देंगे उस तो बाद ये देश अंग्रेजों के कोल चला जाएगा क्योंकि इन्हों का तंग करन दा मेन मकसद ये है कि जब वोटिंग होवे तो हर आदमी ये कहे कि सानू इंडियन दे उत्ते विश्वास नहीं है गोरियां नू वोटिंग की जाए। और उस दे विच आज WHO ने राणी दे कहण दे उत्ते इस चीज़ का डर पैदा किया गया। ICMR जिहड़ी सोसाइटी है उसने इस चीज़ नू कहा कि मतलब कोई भी आदमी किस तरीके नाल मरे लेकिन उहदे उत्ते करोना लिखा जाए। उस दे उत्ते करोना लिखण का मतलब क्या आ साडे देश दे विच हर साल तकरीबन 4 लाख लोग TB दे नाल मरदे आ उस तो बाद कोई 1.5 से 2 लाख लोग आम होर बीमारियां नाल मरदे आ लेकिन इन्हां नू ओ चीज़ां नज़र नहीं आईयां। अज साडे देश दे विच इस चीज़ नू जरूर साबित हो गया कि अद्धे तो ज़्यादा लोगों नू दवाई दे नाल मारिया जांदा क्योंकि अज भी इन्हां दी टोटल काउंटिंग दे अंदर लख आदमी नहीं मरिया। इसका मतलब जिहड़ियां दवाइयां अगे भी दित्तियां जांदियां उन्हां दे नाल लोकी ज़्यादा मरदे सीगे क्योंकि हुण लोकी डरदे हुए हॉस्पिटल नहीं जांदे। इस चीज़ नू मैं तकरीबन 30 साल तो इस चीज़ के उत्ते काम कर रहा कि पहली चीज़ कि आदमी नू बीमारी होनी नहीं चाहिए अगर हो जाए तो उन्हें पता होना चाहिए और हो जाए तो वो वास्ते प्रीकॉशनस लैके उस तो बच सके। इन चीज़ों नू लैके जिस वेले मैं इन्हों दे कोल 1999 दे विच गया तो इन का एको ही फॉर्मूला आ कि बाहरलियां कंपनियां दे दवाइयां किदां बिकणगियां। उन्हां नू इह चीज़ नहीं है कि साडे हिंदुस्तानियां दे अंदर क्या नुकसान है कोई फायदा है लेकिन इन्हां नू अपने नोट बनाउण दे लई चाहीदा। इन्हां लोगों नू एक चीज़ दे विच बार बार एक ही चीज़ नज़र आती है कि जिहदे विच इन्हां दी जेब भरदी आ उस चीज़ का कम ये करदे आ। हुण इन्हां ने यह प्लैन बनाया कि जी पराली दे नाल मैं 2012 तो यह कहिंदा आ रहा कि तुसीं साबित करो कि पराली दे नाल पोल्यूशन वधदा लेकिन अज तक अगर इन्हां दे कोल कोई प्रूफ हुंदा तो मैनूं प्रूफ दिंदे क्योंकि इन्हां दे कोल कोई भी प्रूफ नहीं है। प्रूफ इस करके नहीं है कि उहदे नाल पोल्यूशन हुंदा ही नहीं है। इन्हां ने एक रूटीन बना लिया कि हर आदमी नू दबा के रखो और किस तरह दबाना ये इन्हां दा स्टंट रहिंदा। और मोदी वैसे जिहड़े एक नशेड़ी आदमी है उहदी कोई भी मतलब मिसाल नहीं है क्योंकि नॉर्मली असीं आम परिवारां दे विच भी देख के आए हैं कि जिहड़ा एक नशेड़ी आदमी है घर नू किदां बर्बाद कर दिंदा। और उहदी दूसरी मिसाल साडे देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हां ने हर चीज़ बेच दित्ती और जिस बंदे नू डर लगदा उनू प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहिए। 24,000 करोड़ रुपया लगा के उस बंदे ने हवाई जहाज़ खरीदया। अगर मौत तो इन्ना डर लगता तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ दे। और उस चीज़ नू मैं आज इस स्टेज तो उन्हें खुला चैलेंज दे रहा कि पहला तक आज तक इन सिर्फ किसानों के नाल उलझिया हो जेडे एक भोले भाले आ लेकिन हुण इन्हां दे नाल रामगढ़िए उतर आए आ। और इस चीज़ नू याद रखी
कि जेड़े मौत ना खेलना जानते आ, मुड़ना नहीं जानते, जा मर जाना जा मार देना जानना चाहते आ। इस दे नाल मैं खिमा दा जा चुका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।